प्रधानमंत्री महोदय रामकिशोर जी, सांसद महोदय रघुवीर जी और विधायक महोदय गुलाब जी, और इसके पास ही आबकारी आयुक्त और तीसरा माइंस, ये तीन डिपार्टमेंट जब बंटवारा हुआ तो हमारे हिस्से में आया। मैं सोचता हूं कि देवस्थान मेरे पास भी रहा, जितनी संपत्ति इस विभाग के पास है शायद इस सारे राजस्थान की संपत्ति को एक तरफ तकड़ी में रख लें और देवस्थान की संपत्ति को एक ताकड़ी में रख लें तो देवस्थान की संपत्ति उससे अधिक है। मंत्री जी, मैंने भी प्रयास किया लेकिन मैं बहुत ज्यादा सफल नहीं। कारण ये कि जब तक अच्छे अधिकारियों की टीम आपके पास नहीं होगी, संपत्ति की देखभाल करना बहुत कठिन है। सरकार हमेशा कुछ तनख्वाह के पैसे बचाने का प्रयास करती है और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को लोग वैसे ही लूट खाते हैं। इसको बचाने के लिए निश्चित रूप से हमको अपना मन बनाना ही पड़ेगा और अच्छे अधिकारियों, कॉम्पिटेंट अधिकारियों की भर्ती इस विभाग के देखभाल के लिए आपको प्रत्येक स्थान पर करना पड़ेगा ताकि हमारी संपत्ति की ठीक प्रकार से देखभाल हो सके। देवस्थान आपको और मेजे को जीवन की प्रेरणा देती है, काम करने की ताकत देती है, अंतर में शक्ति देती है कि मैं आया किस लिए हूँ, मैं जाऊंगा कहाँ और मुझे करना क्या है। इसकी प्रेरणा अगर कहीं से मिल सकती है तो मैं सोचता हूँ कितना ही दुष्ट प्रवृत्ति का भी आदमी होगा लेकिन जब ईश्वर के सामने जाकर आंख बंद करके खड़ा होगा वो अच्छे गुणों के बारे में ही सोचेगा, उस समय किसी प्रकार की कुटिलता उसके मन में आ ही नहीं सकती। इसलिए ये स्थान व्यक्ति को बनाने के लिए एक तरह से आधार स्तंभ है। जहां आधार स्तंभ कमजोर हो जाता है वहां व्यक्ति केवल स्वयं भी गिरता है और सारे समाज को भी गिरा देता है। तो इन आस्था के केंद्रों को हम जितना सशक्त कर सकते हैं उसको करने का प्रयास जरूर करें। 40,466 मंदिरों में जहां वार्षिक किनको न्यूनतम 1200 रुपए व्यक्ति विमर्श कर दिया है, पहले कहीं पे 100 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं 200 रुपए, कहीं 300 रुपए, शायद 300 रुपए मैक्सिमम था, उसको बढ़ा करके हमने उसका वेतन 1200 रुपए कर दिया। आज भी 300 रुपए है, आज भी है 300 रुपए। गलत है, अगर आप उन 48,000 कुछ मंदिरों में नहीं है, वो एनुटी की बात है, वो अलग आ रही है। और इसमें भी अगर कोई ऐसा रह गया है तो हम उसको दिखवा लेंगे। इस पे कटारिया जी करीब 6 करोड़ 5 करोड़ 12 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बजट हमने तो प्रोवाइड किया है, ये एलएनटी की राशि है। और इसी वर्ष राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों में 1997 से मैं जो भोग राशि दी जाती थी उसको हमने 50% बढ़ा दिया। 11-12 में प्रत्यक्ष प्रभार और आत्मनिर्भर श्रेणियों के 57 मंदिरों में मरम्मत के लिए 435 लाख रुपए खर्च किया गया। मोदी ने आपको निवेदन किया, मैं तो इतना सा कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ इस स्थान पर पहुंचा तो इसी मंच से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। मिस्टर मोदी जी लगातार मंत्र बोल रहे थे तो एक ऐसा वातावरण बन रहा था कि यहाँ पर भी कोई मंदिर है और ये भवन जो देवस्थान भवन के नाम से जाना जाएगा उन सभी मंदिरों का हमारी जो धार्मिक भावनाएं जहाँ रहती हैं उनके संरक्षण के और संवर्धन के लिए